देखिए टॉपिक में ही लिखा है कि रेशियो का कमाल करेगा मैथ्स में धमाल। ओके तो ये जो टॉपिक का नाम लिखा है बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ है। फिर से यही कहूंगा कि परसेंटेज की तरह रेशियो का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है बहुत सारे चैप्टर्स पे। ओके चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, क्या पता किसी क्वेश्चन में आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ जाए, मेंसुरेशन हो, एवरेज हो, ठीक है। इन लॉट्स ऑफ चैप्टर्स यू विल फाइंड कि रेशियो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हमने परसेंटेज का रोल देखा था। इसीलिए ये हेडिंग स्पेशली लिखी हुई है कि रेशियो का कमाल करेगा मैथ्स में धमाल, बिकॉज इन अगेन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप इस रेशियो को एज अ टूल यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा, फाइनली वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा आपको या एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रेशियो का यूज करते हुए ही आप उसे आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। तो एज अ वेपन आप इस रेशियो को देख रहे हैं या एज अ टूल आप इस रेशियो को देख रहे हैं, ठीक है। रेशियो अपने आप में एक फुल फ्लेजेड चैप्टर भी है, तो वो एक फुल फ्लेजेड चैप्टर भी देखेंगे हम लोग, और साथ ही साथ उसको एज अ टूल भी हम लोग पढ़ेंगे ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनको हम अच्छे से कर पाए। ओके तो आज का सेशन शुरू करते हैं रेशियो। अच्छा अगर मैं लिटरल मीनिंग पूछूं रेशियो का, तो रेशियो का इससे आप लोग क्या समझते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मीन्स आई थिंक समथिंग अपॉन समथिंग, जिसको हम फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूं ए रेशियो बी, या जिसको हम ए इज टू बी भी बोलते हैं, अगर मैं ए इज टू बी बोलूं 1:2, ओके अगर मैं ए इज टू बी इज इक्वल टू 1:2 बोलूं, ये तो रेशियो है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1:2। तो सर क्या रेशियो डिविजन है? बिल्कुल बिल्कुल रेशियो डिविजन है, आप कह सकते हैं कि सर रेशियो डिविजन है, और खासकर उन क्वेश्चंस में बड़ा यूज होता है जहां पर हम लोग कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके कभी कभी ऐसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि सपोज यू हैव टू डिवाइड 1500 रुपीज अमंग 3 स्टूडेंट्स इन द रेशियो। ओके तो जहां पर भी हम बात करेंगे, और एक क्वेश्चन में लाया भी हूं ऐसा, उसको करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके तो जहां पर भी डिविजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी वहां पर कहीं ना कहीं रेशियो का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा साथ ही साथ एक चीज और, इसको फर्दर अगर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूं, तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, ए कितना हो जाएगा बी बाई टू, या मैं कह सकता हूं बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। इसका मतलब रेशियो की हेल्प से मैं कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी कर रहा हूं ए और बी का। मैं यहां पर कह रहा हूं कि ए की वैल्यू बी की हाफ है, ए इज हाफ ऑफ बी, और मैं ये भी कह सकता हूं उसी का मतलब ये भी होता है कि बी इज ट्वाइस ऑफ ए। बी क्या है, ए का डबल है, या ए क्या है बी का हाफ है, ए की बात है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम आल्सो डूइंग कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, हम यहां से कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो लिटरल मीनिंग जो रेशियो का है इट इज डिविजन एज वेल एज कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, देखिए रेशियो को हमेशा, ये बात ध्यान रखना, रेशियो को हमेशा हम उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे रेशियो है सपोज ए अपॉन बी है, सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ए अपॉन बी में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके, कि एंटीसीडेंट क्या है कॉन्सिक्वेंट क्या है। न्यूमरेटर वाले पार्ट को एंटीसीडेंट कहते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। सबसे पहले आपको यह भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये कंपैरिजन भी है, और कंपैरिजन हम किस चीज का करते हैं, क्या मैं अपने टीचिंग के मेथड को शाहरुख खान की एक्टिंग से कंपेयर कर सकता हूं? वो कंपैरिजन, बेटा कंपैरिजन सेम चीजों का होता है। अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं अपना कंपैरिजन किसी और टीचर से कर सकता हूं जो कि मैथ्स पढ़ाता है, तो उसी तरीके से याद रखना क्योंकि ये कंपैरिजन भी है। तो आप रेशियो क्या कुछ अलग अलग चीजों का ले सकते हो, सपोज मेरी एज का और अपने वेट का रेशियो ले सकते हो आप? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो रेशियो हमेशा सेम चीजों का लिया जाता है, जैसे हम कंपैरिजन भी सेम चीजें करते हैं ना, सेम क्वालिटी को कंपेयर किया जा सकता है। ओके सो यहां पर कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि रेशियो जब भी हम लेंगे, रेशियो अगर हम किसी भी क्वांटिटी का लेंगे दे शुड बी ऑफ सेम यूनिट्स, ओके उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, या दे शुड बी ऑफ सेम टाइप। ओके रेशियो, मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, रेशियो शुड बी ऑफ सेम यूनिट, ठीक है। तभी तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रेशियो में होता क्या है कि रेशियो जब भी आप दो क्वांटिटी का लेते हो
उनकी यूनिट्स क्योंकि सेम होती है, केजी केजी हुआ तो केजी केजी कैंसिल होके अल्टीमेटली यू विल गेट ओनली नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो रेशियो शुड बी ऑफ सेम यूनिट, या मैं ये ले सकता हूं कि रेशियो रेशियो इज टेकन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ ऑफ सेम यूनिट. ठीक है, सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको यह भी समझना पड़ेगा कि रेशियो को हमेशा हम उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो यहीं से हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे. मैंने क्या बोला कि रेशियो को हमेशा हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म. सर ये दोनों जो आपने पॉइंट्स लिखा है क्या आप इसको हमें मैथमेटिकली समझा सकते हैं? बिल्कुल. देखिए अगर मैं आपसे कहूं इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज इफ माय एज, ठीक है, अगर मेरी एज सपोज मैं आई एम राइटिंग माय नेम, इफ माय एज इज सपोज 32 इयर्स, ओके मेरी एज 32 इयर्स है, और सपोज माय फ्रेंड, सपोज निखिल इज माय फ्रेंड और उसका जो वेट है वो सपोज 70 केजी है सपोज, ओके तो क्या मैं इन दोनों का रेशियो ले सकता हूं, मेरी एज का और निखिल के वेट का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि रेशियो शुड बी टेकन ऑफ सेम क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट. ओके सेम क्वांटिटी तो नहीं बोलूंगा, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, बट दे शुड हैव सेम यूनिट. ओके तो यहां पर आप इन दोनों का रेशियो नहीं ले सकते. हाँ, अगर निखिल की एज बोलूं मैं, सपोज निखिल की एज अगर 34 इयर्स है तो उस केस में अब हम लोग ले सकते हैं रेशियो. नाउ वी कैन टेक रेशियो. अब हम ले सकते हैं कि द रेशियो, रेशियो कितना जाएगा, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, सपोज सूरज अपॉन निखिल इज इक्वल टू 32/34. मुझे पता है दोनों इयर्स में, तभी तो इयर्स इयर्स कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 16 और आ जाएगा 17. इसका मतलब हमारी जो एज का रेशियो है वो है 16:17. नो यूनिट, रेशियो हैज नो यूनिट. और रेशियो को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं हमेशा. सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करके, टू से सिंप्लीफाई कर दिया हमने. तो यहां से एक चीज और आपके समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कभी भी आपको अगर रेशियो देगा, जैसे ऐसे देगा कि सूरज इज टू निखिल की एज का जो रेशियो है वो 16:17 है, इसका मतलब ये मत समझना कि सूरज की एज 16 है या निखिल की एज 17 है. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, तो आप रेशियो को कभी वैल्यू नहीं मान सकते. वी नो कि भैया सूरज सर की एज क्या है, निखिल सर की एज क्या है. क्या मैं यहां से बोल सकता हूं सूरज सर की एज 16 है? क्या मैं बोल सकता हूं कि निखिल सर की एज 17 है? हाँ, लेकिन लेकिन एक चीज है, लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि रेशियो को हम सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते वक्त किसी एक नंबर से ही काटते हैं, तो उसी तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं अपने रेशियो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, वो एक नंबर कॉमन होगा दोनों के केसेस में, तो हमारी एज आ सकती है. जैसे कि इस केस में सपोज अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको इंटू टू कर दूं और इसको भी इंटू टू कर दूं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो 16:32 एज आ जाएगी सूरज सर की, और 17:34 एज आ जाएगी निखिल सर की. तो ये जो इंटू टू क्या, क्योंकि मुझे मालूम था यहां पर एज क्या है, लेकिन एग्जाम में हमें वो मालूम नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं अपने रेशियोज को वैल्यूज में चेंज करने के लिए, वैल्यूज में, वैल्यूज का मतलब है कि अब मैं यहां पर कह सकता हूं सूरज इज इक्वल टू 32. नाउ आई कैन राइट दिस दैट निखिल इज इक्वल टू 34. कब लिख पा रहा हूं मैं ऐसा, कब मैं इसको इक्वल टू में वैल्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूं? जब मैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. वो मुझे कैसे पता चला कि 2 है वो नंबर? क्योंकि मैंने खुद ही यहां पर सिंप्लीफाई किया था, 2 से ही काटा था, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आई गेट बैक द एजेस. ओके, लेकिन एग्जाम में हमें मालूम नहीं होता कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 कॉमन है दोनों में, और ये क्या है, मल्टीपल है एक तरीके से ना, तो इसको हम कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, वी कॉल इट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेशियोज जब भी हमें एग्जाम में दे जाते हैं तो हम रेशियोज के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, रेशियोज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके, उसको मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम रेशियोज के साथ प्लस माइनस वाली कैलकुलेशंस नहीं कर पाते. तो प्लस माइनस वाली कैलकुलेशंस अगर हमें रेशियोज के साथ करनी है तो हम तभी कर पाएंगे जब हम उनको वैल्यूज में चेंज करेंगे, और वैल्यूज में चेंज करने के लिए हम उनको कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं. अब एग्जाम में क्योंकि हमें मालूम नहीं होगा कि वो कॉमन मल्टीपल क्या है, तो एग्जाम में हम उसको ले लेंगे एक्स वाई एनी वेरिएबल.
वेरी गुड, एनी वेरिएबल, और जैसे उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट वैल्यूज, हमें क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यूज मिल जाएंगे और फिर उसके साथ हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस वाली कैलकुलेशंस। ओके, तो इसको मैं अभी और इलैबोरेट करूंगा, लेकिन यहां से मैं आपको पहला पॉइंट तो ये लिखाना चाहता हूं कि भैया रेशियो, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, क्योंकि रेशियो जब हम किसी दो क्वांटिटी का लेते हैं तो उन क्वांटिटी की यूनिट सेम होती है, तभी तो कैंसिल आउट होके फिर रेशियो की कोई यूनिट नहीं आती। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि रेशियोज के साथ हम कोई कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, रेशियो कैन ओनली बी सिंप्लीफाइड, रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशियो को हम मल्टीप्लाई करके बड़ा बना सकते हैं, बट हम रेशियो को के साथ अदर कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, प्लस माइनस वाली। ओके, तो याद रखना कि रेशियोज कैन ओनली बी सिंप्लीफाइड, रेशियोज कैन ओनली बी सिंप्लीफाइड, ओके, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट एडिशन और या अर्थमेटिक कैलकुलेशंस बोल सकता हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन विथ रेशियोज इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो रेशियोज के साथ हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, और प्लस माइनस तो हमें हर क्वेश्चन में करना ही पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक बार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके लिए, ठीक है, लेट सी वन मोर एग्जाम्पल फॉर दैट। ओके, और उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम सिर्फ ये समझे कि रेशियो क्या है, रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, बट दे शुड हैव सेम यूनिट्स, समथिंग अपॉन समथिंग को ही हम लोग रेशियो तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने दो की एज ले लिया, दो का वेट ले लिया, उनका रेशियो कर लिया, तो यूनिट कैंसिल होकर जो भी रेशियो आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन उसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे ना, उसको हम कैंसिल आउट भी करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर हम कहेंगे कि ये रेशियो है, और क्योंकि वो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है तो रेशियो को हम वैल्यूज की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, रेशियोज कैन ओनली बी सिंप्लीफाइड, बट उनके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बड़ा मुश्किल है। तो मतलब रेशियो को आप वैल्यू कंसीडर मत करना, रेशियोज आर नॉट कंसीडर्ड एज वैल्यूज, ये भी मैं लिख लेता हूं, ये पर लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा, रेशियोज आर नॉट कंसीडर्ड एज वैल्यूज, ठीक है। तो रेशियोज के साथ वैल्यूज वाली कैलकुलेशन मत कर लेना। हाँ, कभी कभी डिवीजन के केस में जब आप ऐसा करते हो तो आंसर सही आ जाता है, ऐसा क्यों आता है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, कभी कभी डिवीजन में अगर आपको रेशियोज की वैल्यूज पुट करनी होती है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्टली सूरज की वैल्यू 16 रख देंगे, निखिल की वैल्यू 17 रख देंगे, दे विल गेट द राइट आंसर। व्हाई? क्योंकि वहां पर जो कैलकुलेशन होती है वो डिवीजन वाली होती है, क्योंकि जो भी हम कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे वो फिर से कैंसिल हो जाता है, इसलिए दे गेट द राइट आंसर, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच ये रहती है कि रेशियो को पहले आपने वैल्यू बनाने का है, जब तक रेशियो वैल्यू नहीं बनेगा तब तक आप इसके साथ कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, सपोज हमारे पास 12 टॉफीज है, ठीक है, एंड 12 टॉफीज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ABC, A, B और C में हमें बांटनी है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बता भी देता हूं, सपोज ए को मैंने कितनी टॉफीज दी, 4 दे दी, ओके, ठीक है, बी को कितनी दे दी, बी को भी मैंने दे दी सपोज 6, बी को कितनी दे दी मैंने 6, और सी को कितनी दे दी 2 सपोज, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ टॉफीज है और ये वैल्यूज भी है, इनको आप वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं। सपोज मैं अगर ए को एक और टॉफी दूंगा तो आप 4+1 5 कर सकते हैं, बी को अगर मैं कुछ और टॉफीज दूंगा तो आप वो उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनकी टॉफीज का रेशियोज निकालू, अगर मैं सपोज A:B:C निकालू, तो ये आ जाएगा 4:6:2। अब आपको पता है कि रेशियो को हमेशा उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो A:B:C इज गोइंग टू बी 2 2 4 2 3 2, तो 2:3:1 आएगा। अब आपको एग्जाम में हमेशा ये चीज दी जाती है, दैट इज नथिंग बट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रेशियो। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, 12 टॉफीज आर डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो 2:3:1। आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए के पास कितनी है, बी के पास कितनी है, सी के पास कितनी है, एग्जाम में ये दिया रहेगा। अब हमें मालूम है कि ये दिया रहता है तो ये तो वैल्यू तो नहीं है, ये तो रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हम बोलेंगे लेट लेट द कॉमन मल्टीपल बी
एक्स हर क्वेश्चन में बोलेंगे। अब हम ये कॉमन मल्टीपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। अगर अगर उसी नंबर से हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट द वैल्यूज। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रेशियोज इनटू वैल्यूज, व्हाई? बिकॉज इसके साथ हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी कैलकुलेशन? बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस कॉमन मल्टीपल। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो मेरी वैल्यूज आ जाए। अब यहां पर तो वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हम अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें मालूम है। लेकिन उसी मालूम होने के बाद भी हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करके उसी 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे आएगा देखो। और हर क्वेश्चन में जब भी हम कॉमन मल्टीपल एक्स लेंगे, हर क्वेश्चन में उसी कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। आपने जैसे कॉमन मल्टीपल एक्स बोल दिया तो यहां पर मैं अब डायरेक्टली आई कैन राइट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट इज गोइंग टू बी 2 × x, 2x। क्योंकि आपने सबको (x) 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 करना है। ऐसे एग्जाम में थोड़ा लिखोगे आप, यहां पर आप सिर्फ लिखोगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स और ए की वैल्यू आ जाएगी 2x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, और बी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी 1 × x, x, या 1x बोलो या x बोल लीजिए। अब आपको वैल्यूज मिल चुकी है, अब इनको आप वैल्यूज मान सकते हो। बिकॉज व्हाट यू हैव डन, अब यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि एक्स क्या है। ये एक्स आपको निकालना पड़ेगा ताकि अल्टीमेटली आपको मालूम पड़ सके कि ए को कितनी टॉफी मिली, बी को कितनी और सी को कितनी। अब ये निकालने के लिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आपको दिया है, कितना दिया है। सो एज वी नो हमें क्या मालूम है कि अगर मैं ए प्लस बी और सी तीनों की टॉफीज को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। क्योंकि हमने कॉमन मल्टीपल लेने के बाद ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली है, ये वैल्यूज ही इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो अब हम इनकी वैल्यूज को यहां पुट कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर आप इनको पुट नहीं कर सकते थे। यू कांट से दैट ए इज इक्वल टू 2, यू कांट से दैट बी इज इक्वल टू 3, यू कांट से, बिकॉज दिस आर रेशियोज, इनको आप वैल्यूज नहीं मान सकते। ओके, ओके। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ ए हियर, ए कितना है 2x, प्लस द वैल्यू ऑफ बी कितना है 3x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, एक्स इज इक्वल टू 12। ओके, यहां से वो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा जो फाइंड आउट करके ही हमारी वैल्यूज आएंगी। और हर क्वेश्चन में ये करेंगे, यू विल सी राइट नाउ इन एवरी क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रेशियोज इनटू वैल्यूज विल टेक कॉमन मल्टीपल। और कितने ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको इवन इन टाइम एंड वर्क यू विल फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। ऐसा कौन सा चैप्टर, यू नेम द चैप्टर, वहां पर रेशियो का कॉन्सेप्ट जरूर यूज होगा। ओके, इन द सेम वे जैसे कि परसेंटेज में हुआ करता था। इसलिए हमने कहा कि रेशियो का कमाल करेगा मैथ्स में धमाल। ठीक है, तो अगर आपको रेशियो अच्छे से आता है तो ये आपको एज अ टूल आपकी हेल्प करेगा, एज अ वेपन आपकी हेल्प करेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। सो दिस इज हाउ मच, 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, हाँ 12/6 = 2। और जैसे x की वैल्यू 2 आई, अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां पर रखोगे तो इट्स गोइंग टू बी 2 × 2, कितना जाएगी, 4 टॉफीज मिली है ए को, और वो दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। ओके, ये हमें इस पहले से मालूम है, ये मालूम होने के बाद ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में नहीं मालूम होगा, बट यहां मालूम है, तो हम कैसे लेंगे, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, बी कितना जाएगा, 3 × 2, कितना, 6 टॉफीज, और सी तो एक्स से कितनी, 2 टॉफीज। ओके, तो इन एवरी क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक कॉमन मल्टीपल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अवर रेशियोज इनटू वैल्यूज, एंड देन वी विल डू कैलकुलेशन, जैसे प्लस माइनस जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो सारे हिंट हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चंस नाउ बेस्ड ऑन इट। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये इतना सिंपल सा टॉपिक है रेशियो का, जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि रेशियो में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वी हैव टू टेक कॉमन मल्टीपल इन ऑर्डर टू चेंज द रेशियोज इनटू वैल्यूज, देन ओनली वी कैन डू कैलकुलेशंस। ओके, अगर ये सब क्लियर है तो आइए पहला क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए, यू हैव टू डिवाइड 420 अमंग एबीसी इन द रेशियो। देखो आपको रेशियो दिया है। ओके, आपको क्या दिया है, एबीसी, देखिए आपने 420 को डिवाइड करना, तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं आपके लिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, ध्यान से देखना। आप इसको एक तरीके से तो ऐसा कर सकते हैं, आप बोलेंगे ठीक है सर, व्हाट इज गिवन टू मी, ए इज टू बी इज टू सी इज गिवन टू मी, हाउ मच, 1/3 × 5/6 × 7/9। आप बोलोगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ओके, आपने बोला लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, कॉमन मल्टीपल लेते ही ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 × x करोगे तो x/3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
फाइव एक्स बाई सिक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी सेवन एक्स बाई नाइन. अच्छा नाउ व्हाट इज गिवन यू द हिंट. हिंट इज गिवन टू यू दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नो दैट यू हैव टू डिवाइड हाउ मच रुपीज 420. आपको ये मालूम है कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा आई विल गेट 420. ओके और a की वैल्यू कितनी आई मेरी x बाई थ्री प्लस b की वैल्यू कितनी है 5x बाई सिक्स और c की वैल्यू कितनी है 7x बाई नाइन इज इक्वल टू 420. एलसीएम कितना आएगा. एलसीएम इज गोइंग टू बी 18. सो थ्री हाउ मेनी टाइम्स सिक्स टाइम्स. सिक्स हाउ मेनी टाइम्स थ्री टाइम्स. नाइन हाउ मेनी टाइम्स. ओके तो इन सबको ऐड करोगे इफ यू ऐड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है तो न्यूमरेटर में कितना आ रहा है सिक्स. फिफ्टीन हाउ मच. इट्स गोइंग टू बी टोटल 35x इज इक्वल टू 35x इज इक्वल टू 420 इंटू 18. ओके अच्छा एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको. फोकस करना बहुत जरूरी है. पहले आप समझ लीजिए. पहले प्लीज डोंट नोट इट डाउन. फर्स्ट यू सी ऑल द थिंग्स. पहले प्रोसेस देख लीजिए. प्लीज फोकस ऑन द प्रोसेस राइट नाउ. डोंट कॉपी इट. ओके प्लीज सी द प्रोसेस. पहले आप एक एक प्रोसेस देखिए. हम ये वही कर रहे हैं कुछ. अब इसमें हमें नहीं पता ना कि कॉमन मल्टीपल क्या है. हमें नहीं मालूम ना कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वैल्यूज आ जाए. वही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहां पर आप देखोगे द वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी हाउ मच 420 into 18 upon 35. ओके अगर आप इसे 7 से काटेंगे 7 5 से 35 7 6 जो ना तो 60 एंड 5 12 टाइम्स तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 18 ही लिखूंगा मैं क्योंकि मुझे x नहीं निकालना. मुझे तो a b c की वैल्यूज निकालनी है. तो जब x 12 इंटू 18 आ गया तो चले a निकालते हैं. a कितना था मेरा. a था मेरा x by 3. x by 3 मतलब ये हो गया 12 इंटू 18 by 3 तो 3 6 और ये कितना आ गया. इसका मतलब a को कितने मिले 72 रुपीज. अच्छा b देखिए b कितना है मेरा. b है 5x upon 6 तो 5 upon 6 into x. x है 12 into 18 तो 6 3 जा 12 5 से 60 ये आ गया 180 रुपीज. ओके एंड इन द सेम वे यू विल गेट c. c कितना है 7x upon 9 7 upon 9 into x. x कितना है 12 into 18. देखिए ये भी समझदारी है. ये भी समझदारी है कि आपने x को कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया क्योंकि जितने फैक्टर्स होंगे उतना इजी आप लिए रहेगा इसको सॉल्व करना. ओके देखिए अब यहां पर कितना इजी है कि आपने करा 9 2 जा ठीक है और ये कितना आ गया 168 रुपीज. ओके इस तरीके से आप करेंगे. लेकिन मैं नहीं चाहता आप ऐसे करें. मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं. देखिए हमने यहां पर क्या किया. हमने इतना एलसीएम लिया एंड ऑल. अगर हम अपने रेशियो को पहले ही मॉडिफाई कर लेते. मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के करवाया आपको ऐसा. ये गलत तरीका नहीं बिल्कुल सही तरीका. लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लिए और इजी हो. व्हाई आई वांट कि आपके लिए ये और इजी हो. मैं ऐसा क्यों चाहता हूं कि आपके लिए और इजी हो. मैं ये इसलिए चाहता हूं ये आपके लिए और इजी हो क्योंकि क्योंकि कैलकुलेशंस इसमें कम इन्वॉल्व हो और आपकी गलती की गुंजाइश कम हो जाए. ठीक है क्योंकि क्या है ना एलसीएम लेते वक्त बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर सकता है. तो अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा. इसी क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा आपके सामने करना चाह रहा हूं. ध्यान से देखना. तो मुझे ए इज टू बी इज टू सी कितना दिया है. ए इज टू बी इज टू सी कितना दिया है मुझे रेशियो 1/3 = 5/6 = 7/9. तो मैं क्या करूंगा अपने रेशियो को पहले ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं. मुझे ये फ्रैक्शन वाला रेशियो पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा. मैंने आपको बताया था ना कि रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं उसके साथ. प्लस माइनस नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट हटाना चाहता हूं. कैसे हटाएंगे. 9 6 और 3 का एलसीएम 18 होता है. तो अगर मैंने अपने सारे रेशियोज को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया देखो तो ये जाएगा 1/3 × 18 = 5/6 × 18 = 7/9 × 18. तो क्या हो जाएगा 3 हाउ मेनी टाइम्स 6 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स तो 5 × 15 आ जाएगा और 9 हाउ मेनी टाइम्स तो 6 × 15 = 14 हमारा रेशियो आ गया. और ये रेशियो और ये रेशियो सेम है. ठीक है तो मैंने अपने रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया पहले ताकि बाद में एलसीएम ना लेना पड़े और मुझे ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े. सो इट्स बेटर दैट यू यूज दिस मेथड. अब देखिए ध्यान से. अब यहां पर मैं क्या करूंगा. आई विल टेक लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. फिर से लेट द कॉमन आई विल गेट द सेम आंसर. लेट द कॉमन मल्टीपल बी
लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए, मैं चाहता हूं कि जब भी रेशियोज आपको फ्रैक्शन में दिए जाए आप उसको जो उसका फ्रैक्शन फॉर्म है जो डिनोमिनेटर फॉर्म है उसको आप जरूर कैंसिल करें बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, से सभी रेशियोज को मल्टीप्लाई करें ताकि आपका डिनोमिनेटर कैंसिल जाए। ओके सो इफ यू टेक कॉमन मल्टीपल तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी यहां पर 6x, बी की वैल्यू 15x और यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी 14x। अच्छा अब आपको दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नो दैट ए प्लस बी प्लस सी कितना है टोटल 420 है। ओके अच्छा ए की वैल्यू है 6x प्लस बी की वैल्यू है 15x सी की वैल्यू है 14x इज इक्वल टू 420। ये आ गया 35x इज इक्वल टू 420 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ओके एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 420 अपॉन 35। अच्छा 7 5 7 60 12 आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू 12 है अब डायरेक्टली देखो ए इज हाउ मच 6x, इसका मतलब 6 × 12 कितना आ गया 72 रुपीज। देखिए वी आर गेटिंग द सेम आंसर और देखो कैलकुलेशन कितनी कम हमें करनी पड़ेगी, बस हमने शुरुआत में अपने फ्रैक्शनल फॉर्म को रेशियोज के फ्रैक्शनल फॉर्म को हमने चेंज किया। ओके इन द नॉर्मल फॉर्म हमने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को पहले ही हटा दिया क्योंकि हमने ये पहले भी बात करी थी कि हम अपने रेशियो को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये दो कैलकुलेशन उसके साथ करी जा सकती है प्लस माइनस को छोड़कर। ठीक है तो अच्छा बी बी कितना जाएगा 15 × 12 कितना जाएगा 180 रुपीज और सी आ जाएगा 14 × 12 कितना जाएगा 168 रुपीज। ठीक है सो वी हैव गॉट द सेम आंसर विथ लेस कैलकुलेशन, विथ लेस कैलकुलेशन का मतलब है चांसेस ऑफ डूइंग रॉन्ग डिक्रीजेस अलॉट। ओके तो जो गलती के चांसेस है वो कम हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन फिर कम इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसे करोगे अगेन यू विल गेट फुल मार्क्स, जैसे हमने पहले किया वैसे करोगे अगेन यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके आई प्रिफर दिस मेथड, मैं हमेशा अपने फ्रैक्शनल फॉर्म वाले रेशियोज को चेंज करता हूं ताकि कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो और गलतियां कम से कम हो फिर। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है अब ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखा जाता है, अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ओके 5:7:12 अमाउंटिंग टू ₹69। सारे हिंट्स आपको दिए, ईच एंड एवरी हिंट इज गिवन टू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। देखिए अ बैग कंटेन्स, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पहले सपोज ये मेरा अगर वॉलेट है, सपोज इफ दिस इज माय वॉलेट। ओके आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें समझनी पड़ेगी, सपोज अगर मेरे वॉलेट में 500 रुपीज के नोट्स हैं, कितने हैं सपोज 5 है ओके और 200 रुपीज के नोट्स हैं, कितने हैं सपोज 7 है, तो मेरे पास टोटल कितने मनी होंगे। देखिए टोटल मनी कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे, आपको मालूम है मेरे वॉलेट में अगर 500 के 5 नोट्स है मतलब मेरे पास ये 2500 तो ये हो गए और 200 के 7 है तो ये 1400 ये हो गए, फिर आप दोनों को ऐड कर दोगे विल गेट। इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, ये जो 500 लिखा हुआ है ना एक नोट के ऊपर इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू, द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द नोट दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेशन। और ये 5 क्या है, ये 5 है नंबर ऑफ नोट्स, ये 5 क्या है नंबर ऑफ नोट्स है ठीक है, कॉइन्स के केस में वो नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकते हैं। इन द सेम वे ये 200 क्या है, ये डिनोमिनेशन है, क्या है डिनोमिनेशन है, और ये 7 क्या है, 7 है नंबर ऑफ नोट्स, ये 7 क्या है नंबर ऑफ नोट्स ठीक है। तो जब भी आपको टोटल अमाउंट निकालनी होती है आप हमेशा क्या करते हैं डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ नोट्स, देन ओनली विल गेट। आप ये थोड़ा कहेंगे कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज है, अरे 500 के 5 नोट्स हैं आपके पास, तो जब तक आप डिनोमिनेशन को मतलब जो वैल्यू लिखी है नोट के ऊपर उसको जब तक आप नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे विल नॉट गेट द टोटल वैल्यू। तो यहां पर आप ऐसे करेंगे 500 × 5 +200 × 7 तो 2500 +1400 एंड देन यू विल गेट हाउ मच, यू हैव 3900 रुपीज। तब आपके समझ में आ जाएगा कि आपके पास कितना है 3900 रुपीज है। ओके इन द सेम वे इन दिस क्वेश्चन, अब ये फंडा समझ लेना, फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन इवन नोट डाउन दिस एज अ नोट, आप इसे नोट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वॉलेट हो चाहे बैग हो कुछ भी हो, डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के केस में अगर कॉइन्स हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रुपीज में है तो रुपीज में होना चाहिए, अगर पैसे में है तो सब चीज पैसे में होना चाहिए, जैसे ये रुपीज है तो उसको मैं 100 पैसा में कन्वर्ट करूंगा
ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे पैसा में है, तो यूनिट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अगर आपने नोट कर लिया तो आप ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या भी क्वेश्चन मिले कितना इजी हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, एक बैग है, सपोज आई मेक अ बैग इन दिस वे ओनली, जैसे हमने अभी बनाया था, मैं उसी तरीके से एक बैग आपके लिए बनाता हूं। इसको ध्यान से समझना, इसको नोट करने से पहले आप प्लीज आप वीडियो को पॉज करके दोबारा इस चीज को नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप एक आराम से बैठ के देखिए पहले। ठीक है, ये एक बैग है, सपोज दिस इज अ बैग, इस बैग में मेरे पास 100 रुपीज, 100 पैसा बोलूंगा, 1 रुपी का मतलब है 100 पैसा, इसको 100 पैसा बोल सकता हूं। 100 पैसा के कॉइन्स हैं, कितना है अभी हमें नहीं पता, 50 पैसा के कॉइन्स हैं, ओके, और 25 पैसा का कॉइन्स है, ओके, 25 पैसा का कॉइन्स है। इसमें बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होगा कि सर हम क्यों ना रुपीज में ले लें, सब रुपीज में लोगे तो फ्रैक्शन में आएगा ना, हम तो फ्रैक्शन को वैसे ही अवॉइड करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि फ्रैक्शनल फॉर्म ना हो ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो। आप इसको सभी को रुपीज में भी चेंज कर सकते हो, ये 1/4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक ही बात है, लेकिन हम क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म को खासकर अवॉइड करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो, इसलिए हम इसको सभी को हमने पैसे में चेंज कराए। अब ध्यान से सुनना, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बैग में 100 पैसा के भी कॉइन्स हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, 50 पैसा के भी कॉइन्स हैं और 25 पैसे के भी कॉइन्स हैं। तो ये जो कॉइन्स है ना, ये क्या है, एक कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखी है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेशन, यही आपके एग्जाम में आ जाएगा डिनोमिनेशन, तो आप कंफ्यूज होगे क्या है डिनोमिनेशन, इज नथिंग बट द वैल्यू विच इज रिटन, इसकी डिनोमिनेशन कितनी है 50, इसकी डिनोमिनेशन कितनी है 100। अभी तो कॉइन्स है लेकिन ये कितने कॉइन्स है वो नहीं पता, वो कितने उनके नंबर ऑफ कॉइन्स, ये डिनोमिनेशन हो गया, मैं इसको लिख लेता हूं शॉर्ट फॉर्म में। और यहां पर नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमें दिया है वो रेशियो में दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स, बिकॉज दिस 1 पैसा, 100 पैसा, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स आर इन द रेशियो 5:7:12, तो वो नंबर ऑफ कॉइन्स आपको रेशियो में दे दे, रेशियो का मतलब है कि इसका मतलब अगर आपको वैल्यूज में चेंज करना है तो यू हैव टू टेक कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल अगर आप ले लोगे तो यहीं पर मैं डायरेक्टली कर देता हूं कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स पहला कितना हो जाएगा 5x, ओके, दूसरे नंबर ऑफ कॉइन्स कितना जाएगा 7x, और तीसरा कितना जाएगा 12x, ओके, पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में मतलब जो एग्जांपल मैंने दिया था कि मेरे पास 500 के कितने नोट्स हैं, 5 नोट्स हैं, यहां पर 100 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, वो रेशियो दे दिया, उसका रेशियो दे दिया तो उसको हमें पता है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि 100 पैसे के 5 कॉइन्स है, 5 कॉइन्स नहीं है, वो कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, एक्स लेंगे तो अब ये कह सकते हैं कि 5x कॉइन्स होंगे, ये कह सकते हैं कि 50 पैसे के 7x कॉइन्स होंगे, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये डिनोमिनेशन आ गया। अब ये क्वेश्चन यूं होगा, यूं, अब आपको पता है कि जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे देन इट विल बी अमाउंट टू ₹69, बट अगेन इट इज 69 रुपीज, इसको पैसा में चेंज करना इनटू 100, इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड यू कैन इजिली फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। इसलिए मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो यहां से क्या आएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा, अगर आप ऐसे करोगे 100 पैसा इंटू 5x प्लस 50 पैसा के कितने कॉइन्स है इंटू 7x, क्योंकि हम हमेशा डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट्स करते हैं, प्लस 25 पैसा कितना इंटू 12x इज इक्वल टू 69 इंटू 100, याद रखना क्योंकि उसको भी पैसा में चेंज करना पड़ेगा हमें, 69 रुपीज में दिया है, तो आ गई इक्वेशन बन गई, तो ये कितना जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 500x प्लस 25 300x इज इक्वल टू 69 इंटू 100 ही लिखो उसे, इसको ऐड करोगे कितना आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 800 9 10 11 1150x इज इक्वल टू 69 इंटू 100, और यहां से x की वैल्यू जाएगी 69 इंटू 100 अपॉन 1150, 10 से 10 कैंसिल, ओके, इसको आप 5 से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 2 टाइम्स 5, 2 जै 10, 5 3 जै 15 एंड 23 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 23 3 टाइम्स, तो 3 2 जै कितना आ रहा है, x की वैल्यू 6, और जैसी x की वैल्यू 6 आई आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं ईच टाइप, तो इसका मतलब 100 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 5x मतलब 5 इंटू 6 कितने कॉइन्स हैं, 30 कॉइन्स हैं,
बच्चे को ले इतना टफ ये क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वो लॉजिक ही नहीं समझते। वॉलेट वाला लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट था कि डिनोमिनेशन को इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। और देखिए रेशियो का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, कॉमन मल्टीपल लिया हमने। ओके अच्छा 50 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे आपके पास, कितने हैं 7x है, तो 7 × 6 कितने जाएंगे 42 कॉइन्स। इन द सेम वे 25 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 12x, मतलब 12 × 6 कितना 72 कॉइन्स। ठीक है तो ये आपको नंबर ऑफ कॉइन्स आपके ईच टाइप ईच डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। कभी कभी नंबर ऑफ कॉइन्स में कोई ना इक्वेशन दे देगा, बोलेगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके अगर 50 है तब आप इनको ऐड करोगे सिर्फ 5x प्लस 7x प्लस 12x, बिकॉज दिस आर नंबर ऑफ कॉइन्स, देन यू विल ओनली ऐड नंबर ऑफ कॉइन्स। तब आपको डिनोमिनेशन का लेना देना नहीं है। डिनोमिनेशन और नंबर ऑफ कॉइन्स को आप कब मल्टीप्लाई करते हो, जब आपको टोटल अमाउंट दी रहती है। ठीक है, अगर मेरे पास जेब में अगर 100 रुपए के 10 नोट हैं तो 100 × 10 या 100 × 10 करूंगा, देन आई विल गेट द टोटल अमाउंट। ओके सो दिस इज द आंसर एंड दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके तो यहां पर भी कैसे रेशियो का कॉन्सेप्ट आया, कैसे हमने नंबर ऑफ कॉइन्स को रेशियो में दिया था, कैसे हमने कॉमन मल्टीपल लिया उनको वैल्यूज में चेंज किया। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत। ओके यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके चलिए बढ़ते अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 5:3। तो मैं डायरेक्टली यहां से लिख लेता हूं, ध्यान से देखना। अब मैं देखो, अब तो मैं इतना एडवांस हो चुका हूं कि बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:3। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि बॉयज कितने हमारे 5x है। मैं ऐसे लिख लेता हूं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। मैंने क्या बोला, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो बॉयज कितने जाएंगे मेरे 5x और गर्ल्स कितने जाएंगे मेरी 3x। और अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कितने जाएंगे बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3x, कितने हैं टोटल 8x है मेरे पास टोटल। ठीक है, अब मुझसे बोला है 16% ऑफ द बॉयज, देखिए यहां पर हम परसेंटेज की भी अप्रोच यूज करेंगे। अगर 16% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, आपसे निकालना है फाइंड द परसेंटेज दोज हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो परसेंटेज निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं कि हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं नॉन स्कॉलरशिप, फिर परसेंटेज फिर निकाल लेंगे। देखिए हमारे लिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, रेशियो का कॉन्सेप्ट तो यहां तक हो गया हमारा सॉल्व। अब इनको मैं वैल्यूज की तरह यूज करूंगा। अब मैं निकालता हूं नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके, कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना, नोट मत करो, एक एक चीज देखो। अगर 16% बॉयज को स्कॉलरशिप मिल रही है, 16% को मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिल रही होगी, 84% को नहीं मिल रही होगी। तो डायरेक्टली मैं नॉन स्कॉलरशिप निकाल रहा था, 84% ऑफ बॉयज इनको नहीं मिल रही होगी, डायरेक्टली आ गया। प्लस उसके अलावा 20% ऑफ गर्ल्स को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो कितनों को नहीं मिल रही होगी, 80%। तो 80% ऑफ गर्ल्स को नहीं मिल रही होगी। सो सिंपल, दिस इज द व्हाट द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज टेल्स अस। ये तो बताता है वो हमें कि अगर 20% का लॉस हो गया आपको, तो हमें 80% तो मिल गया, 20% प्रॉफिट का मतलब है 120% मिल गया डायरेक्टली। ओके सो इन दिस वे डायरेक्टली दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच। अदरवाइज आप क्या करते, पहले आप क्या निकालते, पहले आप 16% निकालते, फिर इसको टोटल से माइनस करते हैं सारी चीजें। तो इसको आप लिखोगे तो 84/100 इनटू बॉयज कितने 5x प्लस 80/100 इनटू गर्ल्स कितनी है 3x। ये आपके कौन आ गए, ये नॉन स्कॉलरशिप वाले आ गए। आपको इन्हीं का परसेंटेज निकालना है, क्वेश्चन पढ़ोगे व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज, इनका परसेंटेज निकालना है। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हमें मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, पहले ये तो निकालें कि हमारे मार्क्स कितने आए, तो वही निकाल रहे हैं हम। पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। अच्छा यहां पर अगर आप एलसीएम 100 ले लोगे वो तो है 100, तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, हाँ 84, हाँ कितना जाएगा 420x प्लस 240x, 8 × 3 = 24, अच्छा 5 × 4 = 20, 8 × 5 = 40। ओके तो ये कितना आ रहा है टोटल, दिस इज 660x/100, 660x/100। ओके अगले पेज में, तो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने आ गए मेरे,
660x upon 100, ये आ गए। अच्छा टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने मेरे पास 8x। अच्छा परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, अच्छा मेरे कितने आए सर मैथ्स में, मेरे 25 आए सर, कितने में से टोटल, टोटल कितना है, टोटल है तुम्हारा 80, सपोज 80 है, सपोज टोटल 80 है, इनटू 100 करूंगा तभी तो परसेंटेज आएगा। उसी तरीके से यहां पर, अच्छा तुम्हारे नॉन स्कॉलरशिप वाले कितने, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ नॉन स्कॉलरशिप वालों का निकालना है, अगर मुझे नॉन स्कॉलर वालों का, नॉन स्कॉलर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉन स्कॉलर होल्डर्स का अगर परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब नॉन स्कॉलर होल्डर्स कितने हैं, 66x upon 100 सर, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं सर, टोटल 8x है, क्या करना है, इनटू 100 करना है, विल गेट द आंसर, यू गेट द आंसर, बस इतना सिंपल सवाल है बेटा, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यू कैन इजिली सॉल्व इट। तो ये जाएगा 660x upon 100। देखिए इसको मैं आपको समझाने के लिए, दिस इज द मेन डिविजन, तो मेन डिवीजन को आप ऐसे लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 8x, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर इनटू 100 बाद में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 660x upon 100 इनटू 1 upon 8x इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, सो इट्स गोइंग टू बी 66 upon 8%, ठीक है, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो ये करेंगे 2 3 0 2 3 0 330 upon 2 4 0, फिर 2 से करेंगे 2 2 1 2 2 6 12 2 5 10 2 2, तो ये कितना आ गया 165/2%, और ये कितना जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 2 कितने टाइम्स, 82 1/2%, सो 82 1/2% इज द आंसर। दिस इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं बच्चे देखकर जिनको घबरा जाते हैं कि इनमें क्या करेंगे, रेशियो का कॉन्सेप्ट लिखा हमने, रेशियो में हमने बॉयज और गर्ल्स की वैल्यूज निकाली, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, फिर हमने देखा कि टोटल कितने हैं, टोटल क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमें लास्ट में परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के नीचे हमेशा टोटल आता है, ठीक है, तो इसलिए हमने टोटल भी यही निकाल दिया। उसके बाद हमें, हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी लगाया, मैंने कहा था ना हर जगह यूज है, अभी क्वेश्चन आप क्या बोलोगे, परसेंटेज का या रेशियो का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, यहां पर रेशियो का कॉन्सेप्ट खत्म और यहां पर परसेंटेज का शुरू, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। तो आप प्लीज, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप प्लीज ये जो परसेंटेज का वीडियो है मेरा, वो आप जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर आपने क्या करा, यहां पर नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स आपने निकाल लिए, कैसे निकाले आपने, आपके पास पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज, अगर 16% बॉयज और 20% बॉयज क्या है मेरे स्कॉलरशिप वाले हैं, तो 16% बॉयज का मतलब है 84% नहीं होंगे, और 20% का मतलब है 80% नहीं होंगे, तो ये नॉन स्कॉलरशिप वाले मैंने उनकी वैल्यू निकाल ली, और वो निकालने के बाद परसेंटेज निकाल दिया, इतना अपॉन टोटल इनटू 100, दैट्स इट। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके ओके। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इफ 3a, क्वेश्चन में दिया आपको 3a = 4b एंड आपको दिया 5b = 6c, ठीक है, ओके। अब इसमें कॉमन मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम दो रेशियोज को मर्ज करते हैं तो कैसे उन कॉमन पार्ट्स के रेशियोज को हम कैसे सेम बनाने की कोशिश करते हैं, आइए सीखते हैं। अच्छा इसको देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैंने कहा था कि रेशियो का मतलब कंपैरिजन भी होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a/b = 4/3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अच्छा क्या मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं कि b/c = 6/5, हाँ अच्छे से देखिएगा नोट करने से पहले, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a/b हमें दिया कितना 4:3, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये b/c हमें दिया कितना 6:5, अच्छा हमें निकालना है a/b/c, मतलब हमें इन दोनों को मर्ज करना है, मर्ज कब कर पाएंगे हम दोनों को, जब इसके कॉमन वाले पार्ट सेम होंगे तभी तो उनको जोड़ पाएंगे। अच्छा कॉमन वाले पार्ट देखो आप, ये कॉमन पार्ट क्या है इसका, b, इसका कॉमन पार्ट क्या है, b, b दोनों में कॉमन है ना बेटा, अच्छा इसका b कितना है 3, इसका b कितना है 6, तो दोनों की b अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं दोनों की b को सेम बनाने के लिए, दोनों की b को सेम बनाना है तो इसके b से इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और इसका बी 3 है इसको दूसरे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो वही बात हो गई, अगर आपके पास 5 रुपीज और मेरे पास 6 रुपीज और हमें दोनों को सेम करना है तो आप अपने 5 रुपीज दे दीजिए मुझे, मैं 6 से 5 से 30 कर दूंगा, मेरे 6 ले लीजिए आप अपने 5 × 6 30 कर दीजिए,
so you will get the same quantity. Okay, so this is the easiest way to make the same quantity. Okay, rather than taking LCM and all, this is the easiest way कि आप quantities को same कर सकते हैं. Okay, okay, okay. चलिए ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट वे. यू कैन वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग सर आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए मैं आपको इन जनरल पढ़ा रहा हूं ताकि औरों के लिए भी आप वैलिड हो पाए. ठीक है, अब इस लॉजिक को आप चाहे तो किसी और क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं जहां पर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके काम नहीं चलेगा. ओके, तो हम क्या करते हैं, ए इज टू बी. ठीक है, ये जनरल बता रहा हूं मैं आपको. बेसिकली आपने सिर्फ बी वाले पार्ट को सेम करना है. बच्चे कह रहे हैं सर आप डायरेक्टली इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है. ठीक है, क्योंकि बाद में देखिए यहां पर आप अभी तो कर लेंगे, लेकिन और क्वेश्चंस में आपको यह भी समझना जरूरी है कि कभी कभी सिर्फ एक पार्ट को मल्टीप्लाई करके चीजें सेम नहीं बन पाती हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो पहले वाले रेशियो का बी है, मतलब जो कॉमन पार्ट है, मैं सिर्फ बी की बात नहीं कर रहा हूं. कभी कभी हमें ए टू बी टू सी टू डी को भी मर्ज करना पड़ता है, तो कभी कभी सी को कॉमन होते हैं उनको भी मर्ज करना पड़ता है. तो जब हम जो भी कॉमन पार्ट होगा उसको ऐसे हाईलाइट कर लेंगे और हम देखेंगे इसका बी वाला पार्ट 3 है, तो इससे हम पूरे दूसरे वाले रेशियो को पूरा मल्टीप्लाई, दूसरे वाले रेशियो में जो वो कॉमन पार्ट है बी उसको देखेंगे कितना है 6 है, तो उससे पहले वाले रेशियो को पूरा मल्टीप्लाई. तो यहां पर ए टू बी कितना जाएगा 24:18, और यहां पर बी टू सी कितना जाएगा, बी टू सी कितना जाएगा 18:15. अब इससे क्या हो गया, अगर आप देखेंगे उस कॉमन वाले पार्ट पर अगर आप नजर डालेंगे जो कि बी था, वो भी 18 आ चुका है, यहां पर भी बी 18 आ चुका है, और जैसे ही कॉमन वाला पार्ट सेम आ जाता है तब आप इसको ऐसे मर्ज कर सकते हैं कि ए इज टू बी इज टू सी कितना जाएगा मर्ज करने में 24:18:15. अब आप इसे कर सकते हैं. ठीक है, तो जो एक बच्चा कह रहा था सर आप यहीं पर 3 से कर लीजिए, वो देखिए लास्ट में सिंप्लीफाई होगी, विल गेट द सेम आंसर. अगर रेशियो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है टिल द एंड. ओके, और यहां पर जब हमने मर्ज किया तो यहां पर आप देखोगे कि 3 से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो या कैंसिल आउट कर सकते हो. तो आपका ए इज टू बी इज टू सी कितना जाएगा 8:2. ओके, 8:6:5. ओके, बच्चा कह रहा था इसी को सर डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट, बिकॉज आप बहुत आसानी से बी को सेम बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन मैं आपको ये तरीका इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि दिस विल बी एप्लीकेबल इन ऑल द क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सिर्फ बी को मल्टीप्लाई करके सेम नहीं आएगा. ठीक है, यहां पर तो कहेगी 3 का वो क्या मल्टीपल ही है. ओके, कभी कभी यहां पर 5 होगा, वहां पर कुछ 17 हो सकता है, तो आप 5 को 17 तो बना नहीं सकते. ओके, फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके 17 से यहां मल्टीप्लाई, उसके 5 से वहां मल्टीप्लाई, तभी सेम होगा. ठीक है, जैसे मेरे पास 3 रुपीज है और आपके पास 5 रुपीज है, तो मैं 3 रुपीज को 5 बना ही नहीं सकता किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके. सो व्हाट आई विल डू, मैं आपका 5 से अपना 3 मल्टीप्लाई करूंगा 15, और मेरे 3 से आप अपना 5 को मल्टीप्लाई करोगे, देन 15:15 सेम आएगा. ओके, हाँ, अगर मेरे पास 3 है और आपके पास 6 है, फिर तो मुझे सिर्फ अपने 3 को इंटू 2 करना होगा आपके 6 को बनाने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में था. ओके, तो इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन द बेस्ट वे इज दैट कि आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा 3 और आपका 5, आप मेरा 3 ले लीजिए अपने 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए, मैं आपका 5 ले लूंगा अपने 3 को मल्टीप्लाई करने के लिए, दैट्स इट. वहां पर दो वैल्यूज को सेम बनाया जा सकता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैसे आप मर्ज करेंगे दो रेशियोज को. ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने ए टू बी टू सी कैलकुलेट किया ऑन मर्जिंग टू रेशियोज. इसमें कॉमन मल्टीपल वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक नया पार्ट है रेशियो का जो मैंने आपको यहां पर वैरायटी करवाई है. इसको बोलते हैं कि आप कैसे कंपोज करते हो, मर्ज करते हो दो रेशियोज को. ठीक है, उसके कॉमन वाले पार्ट को देखकर आपस में मल्टीप्लाई करके जैसे वो सेम आता है देन यू कैन मर्ज, और अगर वो रेशियो सिंप्लीफाई हो रहा हो तो उसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं. कभी कभी आपसे सिंपली ऐसे भी पूछ लेगा फाइंड ए टू सी, तो ए टू सी निकालने के लिए भी आपको पहले मर्ज ही करना पड़ेगा, ऐसे मर्ज करना पड़ेगा. फिर आप ए टू सी में क्या करेंगे, ए वाला पार्ट 8 लिखेंगे और सी वाला पार्ट कितना लिखेंगे 5. ओके, इस तरीके से आप करेंगे. सो आई होप कि आपको आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और यहां से आपको अब समझ में आएगा कि रेशियो की वजह से आप मैथ्स में कितना धमाल कर सकते हो. ये जो रेशियो का कमाल है ये कैसे धमाल करेगा, जब आप और क्वेश्चंस करोगे देन यू विल कम टू नो. आई होप इन क्वेश्चंस को करके आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं दैट वी डील इन आरएमसी, आरएमएस एंड सैनिक स्कूल, प्लस एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, जितने भी डिफेंस के ऑफिसर्स ग्रेड के एग्जाम्स हैं, हम सभी की तैयारी करवाते हैं. फिलहाल अभी के लिए आप हमारा आरएमसी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. लाइव कोर्स, लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो वो भी हम आपको देते हैं.
आप जरूर नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं. यू कैन जस्ट कॉल अस एंड आस्क अबाउट एनी ऑफ दिस कोर्सेस. हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे. और साथ ही साथ आप सभी को लास्ट में ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा. फिर से नंबर्स शेयर कर रहा हूं. दिस आर आवर नंबर्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉल इन दिस गिवन नंबर्स. टेलीग्राम में हमसे जरूर जुड़े क्योंकि वहीं पर यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स. फेसबुक इंस्टाग्राम में हमसे जरूर जुड़े अगर आपको डिफेंस ओरिएंटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके एग्जाम से ओरिएंटेड भी. और साथ ही साथ डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी डॉट इन इज अवर वेबसाइट. इसको जरूर विजिट करें. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय. सी यू सून. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.